महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर आज अंबाला में दशकों पहले बने महाराजा अग्रसेन चौक का नवीनीकरण करने के बाद विधायक असीम ने चौक का उद्घाटन किया। इस बार इस चौक पर आकर्षक फुहारे भी लगाए गए हैं। वहीं महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर विधायक असीम गोयल ने महाराजा अग्रसेन की विशाल मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके विधायक असीम गोयल ने कहा कि नवरात्रि एवं महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम किया गया है। जिन्होंने पहले लोकतंत्र की स्थापना की उन महाराजा अग्रसेन की जयंती आज मनाई जा रही है। आजाद टीवी न्यूज के लिए अम्बाला से हरजीत सिंह की रिपोर्ट। का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ? देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। जो शरदीय हमारे नवरात्रे हैं उनका आज पहला नवरात्र है। माँ भगवती हम सबके लिए आराध्य है और हम सबके जो अग्र शिरोमणि हम सबके आराध्य है, जिनके हम गर्व से कहते हैं कि वंशज हैं। ऐसे युग प्रवर्तक जिन्होंने एक तंत्रीय प्रणाली को छोड़कर समाज के अंदर लोकतंत्र को लेकर आए। पहले लोकतंत्र की स्थापना महाराजा अग्रसेन जी ने की, लगभग 5144 साल पहले उनका जन्म हुआ था। आज उनकी जन्म जयंती हम सब मनाने यहाँ एकत्र आए हैं। महाराजा अग्रसेन जी खाली अग्रवाल समाज के ही अग्रज नहीं थे, उन्होंने पूरे समाज को, जो समाजवाद का नारा सबसे पहले अगर किसी ने दिया तो महाराजा अग्रसेन जी ने दिया, तो इस नाते पूरे समाज के अग्रज हैं। और मेरा मानना है कि उनकी अगर बनाई हुई नीतियों को आज अगर हम पूरी तरह अपने जीवन में और अपने शासन प्रशासन में अनुसरण करें तो इस धरती को स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता, वैरभाव नहीं होगा, एक रुपया एक ईंट, सबको समान नीति के साथ देखना, समान नज़र से देखना। एक रुपया एक ईंट उन्होंने अपने जो भी राज्य में उनके कोई आता था उसको बिल्कुल बराबर कर देते थे। जितने भी उनके वासी थे वो उसको घर बनाने के लिए एक एक ईंट और एक एक रुपया देते ताकि उसका कारोबार भी चल सके। और आप समझ सकते हैं कि समाजवाद की इससे बड़ी स्थापना, इससे बड़ी नींव कोई हो नहीं सकती। आज हम सब लोग, और ये नहीं है कि यहाँ खाली अग्रवाल समाज के साथी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न समाजों से हमारे 36 बिरादरी यहाँ आई हुई है। आज हम सब मिलकर हमारे अग्रज, हमारे महान जिन्होंने इस समाजवाद के प्रणेता अग्रसेन जी महाराज का आज जन्म जयंती मना रहे हैं। और इस जो चौक की रेनोवेशन है आज उसका काम पूरा हुआ है, इस नाते आज इस नवनिर्मित चौक भी आज उद्घाटन इसका किया गया है।